नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के शैपुरा क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 21 लोग घायल हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शैपुरा में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर विकास मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल पहुंच गए हैं। वहीं सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के माध्यम से घटना को लेकर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए। दरअसल ये घटना बिछिया पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बड़झर घाट की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शैपुरा विकासखंड के अमहाई देवरी गांव के लोग चौक कार्यक्रम में सम्मिलित होने मसूर घुघरी गए थे, जहां से रात में वापस घर लौट रहे थे, तभी बड़झर घाट में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि घायलों का शैपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। ये घटना रात्रि लगभग 1 से 1.5 के बीच की है। हादसे में 14 लोगों की मौत और 21 लोग घायल हो गए। कलेक्टर विकास मिश्रा और SP अखिल पटेल अस्पताल पहुंच गए हैं। हम मौके में हैं, ड्राइवर हमको सामने, आप लोग रुको, अभी है यहीं पे वापस आ रहे हैं आप लोग, हम मौके पे जा रहे हैं। ठीक है, रुको, हमको चाहिए वो ड्राइवर, चाहिए बस। अभी 14 कमा खा रहे हैं, नहीं तो लगता है जो रहे हैं हमारे 14 लोग ऐसे थोड़े हैं तो मालूम है। ड्राइवर हमको कुछ नहीं करेंगे, गाड़ी बहुत लगा होगा ना, ड्राइवर मालूम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे साहब। जितने दूर लोगों को लगा है हमको लगा है, ड्राइवर भी चले गए तो उसके पास जाना है बस। हम सब लोगों को बहुत खेद है, और जिस तरह से ये जो हादसा सड़क हादसा हुई, इसको लेकर के हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हूँ, मैं भी जिस तरह से अभी यहाँ पे देखूँ, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन के सभी अधिकारी गण, और अचानक ऐसी घटना होने के बाद जिस तरह से अभी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी के पति नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है, अचानक ये घटना में, और बहुत बड़ी घटना है, इस घटना में छोड़ करके उनके परिवारजनों को चले गए। हम ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे पहाड़ जैसे दुख, जो अचानक ऐसी घटना हुई, ऐसे दुख के घड़ी में उन परिवारजनों के साथ हमारी सरकार, हम सब लोग, हमारे माननीय विधायक सब उनके साथ हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। वाकई में ऐसी स्थिति देख करके मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो मृतक परिवार हैं उनके लिए उन्होंने 4-4 लाख रुपये की घोषणा किया है, और जिला प्रशासन की ओर से रोगी